मैं जा रही हूँ भाई बैठ के अपने पलंग पे आराम से लेटूंगी ठाकुर जी में। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग पे। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है फ्राइडे और आज स्पेशल डे, आज है महाशिवरात्रि का पावन पर्व। सो आज मेरा फास्ट तो नहीं है, मैंने नहीं रखा है फास्ट, लेकिन तांशु के पापा ने फास्ट रखा है। सो अभी मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी। अभी वो जा रहे हैं मंदिर जल चढ़ाने, मैं तो नहीं जा रही क्योंकि मेरा फास्ट नहीं है। तो तांशु और तांशु के पापा दोनों जा रहे हैं मंदिर शिव जी को जल चढ़ाने। सो मेरी तरफ से पूजा वही करेंगे, घर की पूजा हो गई है, बस मंदिर जा रहे हैं। और आज देखो मैंने अपना ये नया वाला सूट पहना है, येलो वाला, तो ये फिटिंग होकर के आ गया है और लेंथ भी अब इसकी सही हो गई है, फिटिंग भी सही हो गई है। तो ये देखिए, ये है पूरा फिटिंग होकर के सही लगा है। पहले बहुत ज्यादा लूज था, अब फिटिंग करा लिया, लेंथ भी करवा दी है सही, नीचा भी बहुत ज्यादा हो रहा था, तो अब लेंथ भी इसकी सही हो गई है और फिटिंग भी सही हो गई है। जाओ तो आज मैंने कहा आज इस सूट को पहनते हैं, नया सूट। और यहाँ तांशु तांशु के पापा दोनों मंदिर पहुँच गए हैं। तो जो पिंक टी शर्ट में अभी आपको दिखाई दिया वो तांशु था, जल चढ़ा रहा है। और मंदिर में आप भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है, और आज तो हर मंदिर में ना बहुत भीड़ हो रही होगी, पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। और हाँ फ्रेंड्स, आज महाशिवरात्रि के साथ साथ एक और स्पेशल डे है, वुमेंस डे भी है। तो महाशिवरात्रि के साथ साथ आपको वुमेंस डे के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और फ्रेंड्स, अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। तो ये मैं आज देखो अलग नाश्ता बना रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर कूटू काटे की पकौड़ी बनाती हूँ व्रत में, लेकिन आज मैं कुछ अलग बनाने जा रही हूँ। तो ये समा के चावल हैं जो मैंने कि जब मैं सुबह उठी थी सोकर के, तभी मैंने जो है फुलाने के लिए रख दिए थे। समा के चावल पानी में गला दिए थे मैंने, तो ये अच्छे से गल चुके हैं। अभी मैं इनको मिक्सर में ग्राइंड करूँगी उसी में। और ये बॉयल किए हुए आलू हैं। सो पहले मुझे चावल ग्राइंड करने हैं, समा के चावल, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी। अभी देखते हैं, देखो मैं क्या बना रही हूँ। मैंने अभी ये चावल छील लिए थे, बाकी ये छील रहे हैं जब तक मैं ये तैयारी कर लूँ, कि इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ ये समा के चावल देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, बिल्कुल घोल सा तैयार कर लिया है, आटे की तरह बिल्कुल पीसना था। और अब मैं ये जो बॉईल किए हुए आलू लिए थे, इन्हें अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। तो मैंने छोटे छोटे 5-6 आलू ले लिए हैं, इनको अच्छे से मैश करके इसमें ही ये जो समा के चावल का बैटर है इसमें ऐड कर दिया है मैंने, और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी मैं, बिल्कुल ऐसा ही घोल तैयार करना है, मतलब जैसे हम इडली बनाते हैं, अप्पे बनाते हैं, बिल्कुल वैसा घोल तैयार करना है। फिर मैंने इसमें मिक्स किया है थोड़ा सा दही, और इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाला था, ताकि मैं जो बना रही हूँ, मैं तो आपको बता दूँ मैं अप्पे बना रही हूँ, ये समा के चावल आलू मिक्स करके अप्पे बना रही हूँ, तो थोड़े से फूले फूले बने, स्पॉन्जी बने, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड किया है। और अभी ये काली मिर्च और व्रत वाला नमक होता है सेंधा नमक, वो ऐड कर दिया। बस अच्छे से मिक्स करके बैटर हमारा रेडी है। और ये अप्पे स्टैंड रखा मैंने गैस पे, सो इसमें मैंने ऑयल की बूंदें डाली हैं जिससे कि बैटर हमारा इसमें चिपके ना, और सारे जितने भी मोल्ड हैं उसमें मैं ये बैटर कर दे रही हूँ। और बस इसको ढक करके 2-3 मिनट तक पकाना है मीडियम आंच पे, और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए एक तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं, तो मैं इनको पलट दे रही हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी ये पक जाएं। और दूसरी तरफ मैंने गैस पे चाय भी चढ़ा रखी है, तो चाय से आज अप्पे का नाश्ता होगा। चटनी नहीं बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है धनिया नहीं खाते हैं, तो ये चटनी खाते ही नहीं है, तो बस चाय से बोला है इन्होंने कि चाय से खा लेंगे। सो ये लीजिए, इस तरीके से हमारे ये अप्पे बन करके रेडी हैं।
और अभी मैं तांशु पापा को दे आती हूँ खाने के लिए, फिर और जो है बना लूँगी इसी तरीके से ही सारे। और यहाँ पर ये देखो मटर छीले, इनको दे दिया मैंने खाने के लिए। सब्जी मंडी से आज सब्जी वगैरह लेकर के आए थे तो मटर भी लाए, तो वही छील करके रख रहे हैं। और अभी मैं भी आ गई हूँ नाश्ता करने, सो आप लोग भी आ जाइए अप्पे चाय का नाश्ता करने, बहुत ही टेस्टी अप्पे बने हैं ये। और अभी देखो इनकी मटर छिल रही है, क्योंकि बीच में नाश्ता करने लगे थे तो मटर छिल नहीं पाई थी, तो अभी तक ये मटर छील रहे हैं। और नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर से रेस्ट करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई, क्योंकि मैं सोचा आज महाशिवरात्रि है तो कुछ स्पेशल बनाते हैं। अप्पे तो बनाए ही थे तो मैंने कहा और कुछ भी स्पेशल बनाते हैं, सो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मखाने और काजू की बर्फ़ी। तो इसके लिए मैंने ये मखाने बिना घी के ही फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि मुझे इन्हें ग्राइंड करना है बिल्कुल आटे की तरह। तो ये देखिए इस तरीके से ग्राइंड हो गया, मैंने दो बार में ग्राइंड किए थे क्योंकि मखाने थोड़े से ज़्यादा थे। उसके बाद फिर काजू भी फ्राई किए और इनको भी मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। सो इस तरीके से मखाने काजू अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, और थोड़ा सा मैंने इसमें नारियल का बुरादा मेरे पास रखा हुआ था, थोड़ा सा ऐड किया, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि नारियल का बुरादा गर्म होता है तो मुझे नुकसान करेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है और बस अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में दूध ऐड किया है और इसमें मैंने डाली है चीनी 1.5 कटोरी के लगभग, और इसको तब तक जो है दूध को पकाऊंगी जब तक ये चीनी हमारी घुल ना जाए। तो जैसी चीनी हमारी घुल जाएगी उसके बाद ये काजू मखाने और नारियल का बुरादा का जो पाउडर है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और उसके बाद हमें इसे अच्छे से चलाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। और स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि यार कहीं लम्स ना पड़ जाए, लेकिन नहीं पड़े थे, मैं लगातार चलाती रही थी तो बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े थे। और बिल्कुल इसका मतलब पकाते रहना है जब तक ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। तो ये देखिए एकदम थिक हो गया है, कढ़ाई में बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है, बहुत थिक हो गया है एकदम आटे की तरह, जैसे हम आटा लगाते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने ये पॉलीथीन ली, पॉलीथीन में घी लगाया था, उसके ऊपर ही बैटर को मैंने पलटा और जो है हाथों में घी लगा लिया था मैंने, गर्म ही गर्म इसको जो है मैंने चिकना किया है। और मैं इसको बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ जैसे हम काजू की कतली बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बना रही हूँ। तो ये जब मैंने अच्छे से चिकना कर लिया उसके बाद इसको थाली में ऐसे ही पलट दिया है, और बस इसको अच्छे से शेप दे रही हूँ मैं हाथों से थप थपा के, और बस हमारा ये देखिए रेडी हो गया। इसके ऊपर मैं जो है बादाम मैंने महीन महीन जो है काट लिए हैं, उससे जो है डेकोरेट कर दे रही हूँ, और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जैसे ये ठंडा हुआ है मैंने इसके पीसेस काट लिए हैं, और काफ़ी मोटे मोटे पीसेस बने हैं और बहुत ही यम्मी है ये काजू मखाने की बर्फी, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और आज महाशिवरात्रि है ना, तो बहुत से घरों में नए जो विवाहित जोड़े होते हैं या बच्चा होता लड़का होता है तो जेर चढ़ती है आज के दिन। मेरे ससुराल में तो नहीं होता ये सब, ना ही मेरे मायके में होता है, लेकिन बहुत सी जगहों पे होता है ये, महाशिवरात्रि वाले दिन जेर चढ़ती है। तो एक वही नवविवाहित जोड़ा जो है जेर चढ़ा के मंदिर से लौट रहा था, बैंड बाजे के साथ बहुत ही धूमधाम से होता है ये फंक्शन, तो ढोल की आवाज़ सुनकर ना मैं भी बाहर निकल आई थी देखने कि क्या हो रहा है। और मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, तो आज का मेरा पूरा दिन किचन में ही जाना है। तो अब मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे की कतली, तो मैंने पिसा हुआ सिंघाड़े का आटा मंगाया है और मैंने इसे भूना नहीं है, ऐसे ही इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको लगातार चलाते हुए पका रही हूँ मैं। और आटा इसलिए मंगाया मैंने क्योंकि सिंघाड़े जो है मेरे पास कलर नहीं है और कूटती भी मैं कैसे, तो इसलिए फिर आटा ही मंगा लिया था सिंघाड़े का। और जब ये अच्छे से थिक हो गया तो फिर मैंने इसमें चीनी भी ऐड की, फिर इसको और पकाया, फिर मैंने इसमें ऐड किया है ये घी, और अब ये बिल्कुल जमने की कंसिस्टेंसी पे आ गया है। तो मैंने दो थालियों में घी लगाया और अच्छे से स्प्रेड कर दिया।
और मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई क्योंकि नीचे अम्मा जी को भी दूंगी थोड़ी सी और फिर एक जगह और दूंगी। सो आंटी जी हैं एक, मतलब जिनके बेटे को ये पहले पढ़ाते थे, अब तो बच्चा बड़ा हो गया है, बाहर जॉब कर रहा है, लेकिन आंटी जी यहीं पर रहती हैं। सो उनका आज फास्ट है और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, तो मैं नहीं कह दिया था कि हम बना करके भेज देंगे, तो थोड़ी सी उनके लिए भी हम भेजेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसकी पीसीस काट लिए हैं और लोहे की कढ़ाई में बनाई है ना, तो थोड़ी सी काली काली हो गई है, और ये एक बॉल में मैंने रख रखी है, तो आंटी जी को भेजनी है मुझे, तो अभी टिफ़िन में रखूँगी तो तांशु वापस दे आएंगे। और फ्रेंड्स अभी शाम के 6 बजने आ रहे हैं, मैं पी रही हूँ यहाँ पर चाय, और आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि चाय नहीं पीनी चाहिए प्रेगनेंसी ऐसे टाइम पे, तो मैं बस एक ही टाइम पीती हूँ, ये शाम के टाइम, और वो भी एक कप में पीती हूँ, वो भी पूरा कप भर के नहीं है, आधा कप है, इतनी ही पीती हूँ। तो इतनी चाय हम पी सकते हैं, मैंने नेट पे भी सर्च करके देखा था, ज़्यादा चाय नहीं पी सकते, ज़्यादा चाय नुकसान करती है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, बस ये आधा कप ही पीती हूँ, वो भी एक ही टाइम पीती हूँ। और आज थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि सुबह से किचन में लगी हुई हूँ, तो चाय पीने का मन कर रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी चाय बंद कर दूँ, लेकिन आज थकान ज़्यादा हो रही थी तो चाय पीने का मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, फिर चाय मैंने इनसे बनवाई है, मैंने कहा आज आप बनाओ चाय, मैंने कहा आज मैं बहुत थक रही हूँ। और तांशु दमनी और चाय पी के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से किचन में आ गई क्योंकि अब शाम के खाने का टाइम हो रहा था। कतली तो मैंने थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, और फिर कतली मीठी है, काजू मखानी बर्फी है वो भी मीठी, तो मेरे का थोड़ा सा नमकीन भी होना चाहिए। सो मैं कचौड़ी बनाऊँगी, लेकिन अभी मैंने खीर बनने रखी है क्योंकि मुझे कचौड़ी खीर के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी सी साबूदाना की खीर बना रही हूँ मैं। सो मैंने जब तक खीर बनने रखी है तब तक मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा। जैसे मेरी पूजा हुई है तो हमारी ये खीर भी बनने को तैयार हो गई है, मैंने इसमें अभी ऐड की है चीनी, और अब मैं लगा रही हूँ कूटू का आटा, तो मैं कूटू के आटे की कचौड़ी बना रही हूँ। और आलू मैंने पहले इसी रेडी कर लिए थे, सुबह ही मैंने बॉईल करके रख लिए थे, और अभी बस उसमें काली मिर्च और व्रत वाला नमक मिला के पिट्ठी तैयार कर ली है, और ये कूटू का आटा लगा ले रही हूँ, कढ़ाई जो है रख दी है तेल गर्म होने के लिए, कढ़ाई में गैस पर चढ़ा दिया मैंने, और ये कूटू के आटे में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला था, नमक डाल के लगा दिया अच्छे से, और अब बना ले रही हूँ कचौड़ी। और मैं बेलन का यूज़ नहीं कर रही, हाथ से ही बनाऊँगी। सो मैंने हाथ से घुमा घुमा के लोहे को थोड़ा सा बढ़ा लिया और आलू भर करके लोई तैयार कर ली, और फिर इसको भी मैं ऐसे हाथ से घुमा घुमा करके जो है किनारों से पतला कर लूँगी और थोड़ा सा हल्का सा बीच में भी, और बस इसको जो है फ्राई कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। सो मैं सारी कचौड़ियाँ ऐसे ही बनाऊँगी, और ज़्यादा नहीं बनानी, थोड़ी सी बनानी है क्योंकि इतना सब कुछ है खाने के लिए, कतली है, काजू मखाने की बर्फ़ी है, खीर है, थोड़ी सी बनानी है मुझे कचौड़ी, लेकिन आलू थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, सो आलू बचेंगे कोई नहीं, फ्रिज में रख दूँगी, कल जो है पराठे वगैरह बना दूँगी। और देखिए इस तरीके से कचौड़ी सीख चुकी है एकदम करारी करारी, और ये कुट्टू घाटी कचौड़ी ना बड़ी अच्छी लगती, एकदम क्रिस्पी बनी थी, करारी करारी बनी थी एकदम। सो अभी हमारी ये खाने की थाली लगी जा रही, कुट्टू के आटे की कचौड़ी है, साथ में है खीर और कतली भी है, सो आ जाइए डिनर कर लेते हैं। ये देखिए 10:15 बज रहे हैं, टाइम इसमें आपको शायद नजर नहीं आ रहा अच्छे से, बट टाइम हो रहा है इस वक्त 10:15 बजे का, देखो आपको पास से दिखाऊं, पास से दिखेगा, 10:15 बजे का टाइम हो रहा है इस वक्त, नज़र नहीं आ रहा साफ, बट इस वक्त 10:15 बज रहे हैं, तो मैं अब जाकर के सारे काम से फ्री हुई हूँ, तो बस ऐसे ही मतलब पूरे दिन जो काम किया, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर लग गई, फिर रेस्ट किया फिर लग गई, तो इस तरीके से आज पूरा दिन हो गया, इतना टाइम इसलिए लग गया,
अगर कंटिन्यूसली लगी रहती तो जल्दी काम फ्री हो जाता, लेकिन एक काम करके फिर रेस्ट करने बैठ जाती थी, फिर दूसरा काम करती फिर रेस्ट करने बैठ जाती, फिर काम करती फिर रेस्ट करने बैठ जाती थी। तो इसलिए आज पूरा दिन लग गया और अब 9:45 बजे जाके फ्री हो पाई हूँ। और कल तांशु का एग्ज़ाम है, कंप्यूटर का सेकेंड लास्ट एग्ज़ाम है कल तांशु का, तो तांशु लगे अपने प्रिपरेशन में। और अब मैं जा रही हूँ भाई बेड पे, अपने पलंग पे आराम से लेटूंगी, ठाकुर जी मैंने सुला दिए हैं, सो बस अब रेस्ट करना है।